बिहार के दरभंगा से इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी मोहम्मद दानिश अंसारी गिरफ्तार। यासीन भटकल का करीबी है दानिश, एनआईए की टीम ने लहरिया सराय से दबोचा। दरभंगा के चक जोहरा मोहल्ले में अपने घर आया था आईएम का आतंकी दानिश, दिल्ली से गई एनआईए की टीम ने बिछा रखा था जाल। रात में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेकर टीम हुई रवाना। दानिश पर आईएम के आका यासीन भटकल को पनाह देने का इल्जाम, मुंबई और चिन्नास्वामी स्टेडियम ब्लास्ट में एनआईए को थी तलाश। जर्मन बेकरी कांड और जामा मस्जिद ब्लास्ट में भी वांटेड है दानिश। सरहद के बाद अब समंदर में पाकिस्तान की हिमाकत, 27 भारतीय मछुआरों को पकड़कर नेवी ले गई कराची, सीमा लांघने का केस किया दर्ज। भारतीय मछुआरों की 6 नावों को पाकिस्तान ने लिया कब्जे में, आज सभी 27 मछुआरों की कोर्ट में कराई जाएगी पेशी। वॉशिंगटन के सिटी कैपिटल के बाहर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ने ली दूसरे कार्यकाल की शपथ, ओबामा का ये दूसरा शपथ ग्रहण समारोह था, इससे पहले व्हाइट हाउस ने ली थी शपथ। That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will. ओबामा का शपथ ग्रहण देखने जुटी 8 लाख लोगों की भीड़, शपथ ग्रहण के बाद पत्नी के साथ पैदल सड़कों पर निकले ओबामा, जनता का किया अभिवादन। ओबामा ने अपने भाषण में किया मध्यम वर्ग का जिक्र, कहा अमेरिका की खुशहाली मध्यम वर्ग के चौड़े कंधे पर टिकी है। ओबामा ने देश में एकजुट होने का आह्वान भी किया, कहा शांति के लिए जरूरी नहीं है जंग। दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर औपचारिक ताजपोशी के बाद मिशेल के साथ थिरक उठे ओबामा, अमेरिका के अलग अलग राज्यों से निकाली झांकी, दुनिया को दिखाई अमेरिकी संस्कृति की छटा। ड्रम की थाप पर झूमते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति, दरबार को ही शुरू की थी दूसरी पारी, लेकिन जनता के सामने कल दोबारा हुआ शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला की सजा का ऐलान आज, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 53 अन्य मुजरिमों की सजा पर भी होगा फैसला, साल 2000 के टीचर घोटाले का मामला। कोर्ट ने ओपी चौटाला की वेदांता अस्पताल में इलाज कराने की मांग ठुकराई, सीने में दर्द के बाद जीबी पंत अस्पताल में कराया गया था भर्ती, असिस्टेंट की मांग पर तिहाड़ जेल से जवाब तलब। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ ममता बनर्जी के अपशब्दों पर सियासत गर्म, ममता ने कहा प्रधानमंत्री से आर्थिक पैकेज के लिए 10 बार मिल चुकी हूं, नहीं देते मदद तो क्या उन्हें पीटू, पीटू तो लोग कहेंगे मुझे गुंडा। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने जताई आपत्ति, कहा पीएम के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गलत, सीपीएम नेता सलीम ने कहा बैंडेड क्वीन जैसी है जुबान। गृहमंत्री सुशील शिंदे के बयान पर बचाव के लिए आगे आई कांग्रेस, राशिद अल्वी ने कहा सोनिया और पीएम नहीं मांगेंगे माफी, शिंदे ने सफाई में कहा भगवा आतंक की कही थी बात। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आतंक के सरगना को बख्शी इज्जत, मुंबई हमले के मासूम आईन को हाफिज सईद साहब कहकर पुकारा, विपक्ष ने किया तीखा विरोध। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को आयकर विभाग का नोटिस, पूछताछ के लिए 1 फरवरी को बुलाया लेकिन गडकरी ने मांगी मोहलत। लखनऊ में मौसी एयरपोर्ट के बाहर गडकरी को दिखाए गए काले झंडे, सर्जन हिताय संघर्ष समिति ने प्रमोशन में आरक्षण के पक्ष में वोट देने पर किया विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं से हुई झड़प। कल्याण सिंह की पार्टी का बीजेपी में विलय, लखनऊ में अटल संकल्प रैली में कहा अंतिम सांस तक बीजेपी का सदस्य रहने की इच्छा, मंच पर निकल पड़े कल्याण सिंह के आंसू। अन्ना को भाया राहुल गांधी का भाषण, कहा अगर 2014 से पहले अपनी बातों पर किया अमल तो राहुल को दूंगा वोट और कांग्रेस के लिए करूंगा प्रचार। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी दिल्ली गैंग रेप केस ट्रांसफर करने की अर्जी पर सुनवाई, वारदात के आरोपियों ने की है अधिक सुरक्षा मुहैया कराने और केस दिल्ली से बाहर भेजने की मांग। दिल्ली गैंग रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इन कैमरा प्रोसीडिंग की दी इजाजत, अदालत के बाहर हुआ जमकर प्रदर्शन, आरोपों पर बहस 24 जनवरी को। दिल्ली गैंग रेप पर सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर का भावपूर्ण बयान, कहा जंतर मंतर पर जाकर शामिल होना चाहता था विरोध प्रदर्शन में, लोगों के जज्बे को करना चाहता था सलाम। दिल्ली में महिला हेल्पलाइन खुलने के बाद अब देश भर में खोलने की बात,
181 नंबर पर देश भर की महिलाओं की शिकायतें सुनने का होगा इंतजाम। दिल्ली के गैंगरेप से फरीदाबाद पुलिस ने लिया सबक, कॉलेज लेवल पर कमेटियों बनाई, छेड़खानी की शिकार लड़की कमेटी से करेगी शिकायत, नाम गुप्त रखकर एसीपी तक पहुंचाई जाएगी बात। भड़काऊ भाषण मामले में आज अकबरुद्दीन ओवैसी की होगी पेशी, न्यायिक हिरासत की मियाद हुई खत्म, जमानत के लिए ओवैसी दे सकते हैं दरख्वास्त। भटिंडा में चलती कार में अगवा कर गैंगरेप के मामले में नया मोड़, पुलिस ने उल्टे लड़की पर ही केस दर्ज करके किया गिरफ्तार, प्रेमी की पत्नी को फंसाने के लिए लड़की ने रचा था नाटक। हरियाणा के हिसार में गैंगरेप के आरोपी के खिलाफ मंगेतर ने खुला मोर्चा, शादी से किया इनकार, डेढ़ महीने पहले एमएमएस बनाकर किया था ब्लैकमेल। दिल्ली के वेस्ट पंजाबी बाग में चोरों ने कारोबारी के घर से चुराए 2.5 करोड़ के गहने, बारात लेकर लौटने से पहले 17 लाख कैश पर भी किया हाथ साफ, सीसीटीवी से भी नहीं मिला सबूत। दिल्ली के खजूरी खास में चाचा ने 14 महीने के भतीजे का गला घोटा, बड़े भाई से पत्नी की शादी को लेकर दुश्मनी में मासूम की ली जान, नशे की लत की वजह से छोड़ गई थी पत्नी। मुंबई के होटल कारोबारी बिया शेट्टी पर फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, छोटा राजा ने जेडे के साथ ही दी थी हत्या की सुपारी, फायरिंग में बाल बाल बची शेट्टी की जान। फिल्म एक्टर सनल सोढ़ी गिरफ्तार, महिला को अश्लील मैसेज और नग्न तस्वीरें भेजने का आरोप, महिला ने वर्सोवा थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर। मुंबई के धारावी में बीती रात 9 गोदामों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, 4 लोग अस्पताल में भर्ती। 10 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले सारण के डीआईजी का हेडक्वार्टर में तबादला, आलोक कुमार पर है रंगदारी मांगने का आरोप। यूपी के शामली जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता के मद में चूर हुए, जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव जीतने पर एडिशनल एसपी की कार पर कब्जा किया। जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसा युवक दौड़कर ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में आफत में फंसी जान, टाइल्स तोड़कर निकाला गया। आधी रात से रेलवे का किराया हुआ महंगा, टिकटों की कीमत में 21% बढ़ोतरी का फैसला लागू, पैसेंजर्स का आरोप, रात भर ट्रेनों में चलती रही वसूली। सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 4 से बढ़ाकर 6% की, सोना का इंपोर्ट अब हो जाएगा महंगा। दिल्ली में आज से शुरू हुई एयरपोर्ट मेट्रो, पिछले साल जुलाई में ट्रैक में खराबी आने पर बंद कर दी गई थी मेट्रो। जोधपुर में 81 साल बाद टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट ने भरी उड़ान, दूसरे विश्व युद्ध में कई जाबाजों को किया था ट्रेन, अभी भी ट्रेनिंग देने के इस्तेमाल में लाती है वायुसेना। मोहाली के मौसम पर खुश हुए इंग्लैंड के ओपनर यान बेल, कहा इंग्लैंड जैसा मौसम मेहमान गेंदबाजों को रास आएगा। कल मोहाली में खेला जाएगा भारत इंग्लैंड के बीच चौथा वनडे, 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है भारत। रणजी फाइनल नहीं खेल पाएंगे जडेजा, पुजारा और रोहित शर्मा, सौराष्ट्र और मुंबई की मांग बीसीसीआई ने ठुकराई। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के चीफ मेंटोर बने अनिल कुंबले, छोड़ा बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स का साथ। उड़ीसा सरकार ने महिला वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के मैचों को हरी झंडी दिखाई, कटक में होना है मैच। माली के डायरबिली में फ्रांस की सेना ने किया फ्लैग मार्च, विद्रोहियों के चंगुल से छुड़ाया लेकिन वीरान हुआ शहर। भारी बर्फबारी से यूरोप में यात्रियों में अफरा तफरी, इंग्लैंड फ्रांस नेदरलैंड जर्मनी में 125 से ज्यादा उड़ानें रद्द। बर्फबारी से चीन के अधिकतर अहम हाईवे बंद, कड़ी मशक्कत के बावजूद 4 दिन बाद भी नहीं खुला यातायात। अमेरिका में स्नो ट्यूबिंग बना बुजुर्गों का पसंदीदा खेल, पेंसिल्वेनिया में बर्फ पर मस्ती के लिए उमड़ रही है भारी भीड़।
अमेरिका के ब्रुकलिन ब्रिज पर निकला एंटी गन मार्च, मम्मी के साथ बच्चों ने थामे प्लेकार्ड, हथियार के खिलाफ की नारेबाजी।